हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हज्जन किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दही बड़ों की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाएंगे फ्रेंड दही बड़े, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाएंगे। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दही बड़े बनाने के लिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये एक कप मूंग की दाल ली थी, 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के फिर इसको मैंने पीस लिया है। आप चाहे तो इसको ओवरनाइट भिगो के भी रख सकते हैं, फिर इसको आप पीसें। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये हाफ कप यहाँ पे मैंने उड़द की दाल ली है। उड़द की दाल को भी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पीस के रख लिया है, 3 से 4 घंटे के लिए भिगोया था, उसके बाद मैंने इसको पीस लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इन दोनों दालों को हम एक साथ मिक्स कर देंगे। और फ्रेंड, ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत होती है कि उनके दही बड़े सॉफ्ट नहीं बने हैं, तो यहाँ पे देखिए हम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट दही बड़े बनाएंगे फ्रेंड्स। अगर आपकी दाल ज़्यादा देर भीगी भी नहीं भी है ना, तो भी आप उसको बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट बना सकते हैं। वो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ अभी यहाँ पे, तो आप देखते रहिए वीडियो को, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। ये देखिए फ्रेंड, दोनों दालों को हमने एक साथ मिक्स कर लिया है और इसको हम बहुत अच्छे से फेंटेंगे। दही बड़े बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें मूंग की दाल और उड़द की दाल चाहिए। आप चाहें तो खाली मूंग की दाल से ही बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको मैं बहुत अच्छे से फेंट रही हूँ, इसमें हमें बहुत अच्छे से फेंटना है फ्रेंड्स। इसे फेंटने से ना फ्रेंड्स क्या होता है, इसके अंदर जो एयर बनती है ना, उसकी वजह से भी बहुत अच्छे से ये फूलते हैं, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं फ्रेंड। यहाँ पे हम ना तो बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे, ना ही इसमें हम बेकिंग पाउडर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इनू, एक इनू का पैकेट लेंगे, ये आपको मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल होता है। इसमें से ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसको आधा यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे हम इस तरह से यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, हम इसको डायरेक्ट दाल में नहीं डालेंगे। यहाँ पे मैंने एक स्पून लिया है, स्पून में मैंने इनू डाला है, उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस हल्का सा, 2-4 बूंद। और ये देखिए इसमें झाग आ गए ना, अब बस हम इसको दाल में बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसकी वजह से फ्रेंड्स हमारे दही बड़े बहुत ही अच्छे और फूले फूले बन के तैयार होंगे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। ये देखिए दाल को हमने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अब यहाँ पे मैंने ली है फ्रेंड दही, दही का यहाँ पे मैंने एक पैकेट लिया है, ये 1/2 किलो का पैकेट है। मसाले इसमें हम लेंगे, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दही बड़ों का मसाला लिया है, ये हमारा होममेड है। 1/2 टी स्पून मैंने चाट मसाला लिया है और 1/2 टी स्पून यहाँ पे मैंने काला नमक लिया है। और दही बड़ों के लिए यहाँ पे मैंने बनाई है ये ग्रीन चटनी, ये मैंने इमली की सॉल्ट ले ली है, ये इमली को मैंने रात भर भिगो के उसकी सॉल्ट बना ली है। दाल को मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है, अब इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए फ्रेंड्स ये देखिए कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल को मैंने गरम कर लिया, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करा है, अभी नॉर्मल ही है हमारा ऑयल। और दही बड़ों को फ्रेंड देखिए हम गोल गोल शेप में इसमें डाल देंगे, जितने भी दही बड़े हमारे एक बार में कढ़ाई में आ जाए हम उतने ही डालें फ्रेंड्स। इस ओवर बिल्कुल भी मत डालिएगा, इसके अंदर थोड़ी सी जगह छोड़िएगा जिससे कि हमारे दही बड़े फूलें। ये देखिए सारे दही बड़े मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इसको अब हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और दही बड़े डालने के बाद फ्रेंड्स आप अभी 1 से 2 मिनट तक आप इनको बिल्कुल भी नहीं चलाएं। जब ये एक तरफ से हल्के हल्के से सेकने लगेंगे हम जब इनको पलटेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये एक तरफ से सेक गए हैं, अब इनको हम पलटेंगे और पलट के हम इनको दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं ये दही बड़े हमारे। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। ये देखिए ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं फ्रेंड्स, अब इनको हम निकाल लेंगे। निकाल के फ्रेंड्स इनको मैं रख रही हूँ एक बाउल में, मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है और उसमें मैंने दही बड़ों को डिप कर लिया है।
और डिप करने के बाद फिर हम कि हल्का हल्का सा प्रेस करके ना हम इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं दबाएंगे, हल्का हल्का सा प्रेस करके दही बड़ों को निकाल लेंगे। ये देखिए सारे दही बड़ों को मैंने हल्का हल्का सा प्रेस करके इस तरह से निकाल लिया है। अब इसको यहाँ पे हम एक प्लेट में सजाएंगे। ये देखिए सबसे पहले मैंने इसमें डाली है दही, फिर डालेंगे इमली की सॉल्ट, फिर इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, दही बड़े मसाला और काला नमक। और यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ी सी ग्रीन चटनी, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इस रेसिपी का। फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है ये। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं हमारे दही बड़े। ये देखिए फ्रेंड्स, और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।